myself, Professor Dr. Ram, showing you videos on hot medical topics. We should have just ordered a la carte. Yeah. अपने गत दिनों अपने एक बड़े अभिनेता इरफान खान को खो दिया और उनको ऐसा बताया जाता है कि उनको एक कैंसर था। तो ये कैंसर क्या था ये जानने की हम सब लोगों की इच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको जो कैंसर था उसको कार्सिनाइड ट्यूमर कहते हैं या उसको न्यूरो इंडोक्रीन ट्यूमर भी कहते हैं। ये ट्यूमर बहुत छोटा 2 से 3 सेंटीमीटर बस इंच के बराबर होता है। ये आंत में कहीं भी हो सकता है, जैसे ये स्टोमक में हो सकता है, अपेंडिक्स में हो सकता है, या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टिन कोलोन रेक्टम बड़ी आंत हो सकता है, लंग में हो सकता है, पेंक्रियाज में होता है। क्योंकि ये न्यूरल क्रेस्ट से निकलता है इसलिए इसको न्यूरोइंडोक्रीन ट्यूमर कहा जाता है। और ये ट्यूमर क्या बहुत छोटा होता है मगर इससे कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, ब्रेडिकाइनिन हिस्टामिन सेरोटोनिन एक निकलता है। ये क्या करता है, इससे शरीर में क्या होता है कि सिम्टम्स कभी लूज मोशन होने लग जाएगा, सारा शरीर एकदम लाल पड़ जाएगा, फ्लश हो जाएगा, फिर उसमें हमको पसीने आ जाएंगे, हमें दिल धड़कन करने लग जाएगा, सांस तेज तेज से चल के सांस में एक आवाज़ वीज निकलने लग जाएगी और धीरे धीरे रोगी को खाने की इच्छा नहीं होती है, कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये सब सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, ये नहीं कि ये ट्यूमर कहीं रुक गया, ब्लॉक हो गया और उसके कारण पेट फूल जाता है या आंत फट जाती है, इस रूप में नहीं होता। जनरली ये ट्यूमर बहुत कम होता है, 50-60 लोगों को, 10 लाख लोगों में होता है, आदमी औरत सबको होता है। जनरली 60 वर्ष के बाद होता है और किंतु हमारे जो इरफान साहब थे वो तो इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, मगर ये हो गया। मगर ये उनकी आँखें थोड़ी मोटी मोटी थी तो ये बचपन से थी, मगर ऐसा लगता है कि इसमें भी थोड़ी आंखें कभी कभी आगे की तरफ आ जाती है कमजोरी के कारण, जो हमने अपनी वीडियो में दिखाया है। और ये शायद वो पहचान नहीं पाई, ये सिम्टम्स था मगर उनकी उस तरह की हैबिट नहीं होगी, इसलिए जनरली लोग इसके बारे में डायग्नोसिस होती नहीं है। जब हम दूसरे किसी कारण से अपेंडिक्स निकालते हैं तब हमें पता चलता है, और वही बात इसमें हुई और उससे लेट होने से ये ट्यूमर शायद लीवर लंग ब्रेन में फैल गया। और वो इसके इलाज करने के लिए अमेरिका भी गए, वहाँ उनकी सर्जरी भी हुई थी या कीमोथेरेपी दिया गया था, और वो कीमोथेरेपी लेके अच्छे भी थे। उन्होंने आके अभी इंग्लिश मीडियम फिल्म भी बनाया और इतनी जल्दी वो चले जाएंगे किसी को अनुमान नहीं था। मीडिया में ऐसा आ रहा है कोलोनिक इन्फेक्शन, कोलोनिक इन्फेक्शन इसमें कुछ नहीं होता, इसमें डायरिया हो जाता है। तो वही डायरिया होने के कारण वो डायरिया रुकता नहीं, बहुत कमजोरी आ जाती है और फिर उसमें फिर कीमोथेरेपी दवाइयाँ काम करने लगती नहीं है, इसी कारण इसका हुआ। इसकी डायग्नोसिस हम यूरिन से करते हैं, एक 5-हाइड्रोक्सीइंडोलिक एसिड होता है या क्रोमाजीन एक पर्टिकुलर होता है ट्यूमर मार्कर जो हमारे ब्लड में मिलता है, सीटी स्कैन एमआरआई से भी और अल्ट्रासाउंड से पकड़ में आ जाता है, चेस्ट एक्सरे से लेटर बहुत दिनों बाद पता चलता है जैसे इस केस में चला। ये सब हमने आपको दिखाया है, ये ट्यूमर का एक टुकड़ा भी दिखाया है इस वीडियो के अंदर, और इसके देखने के बाद इसको जो काट के देखते हैं तब इससे असली इसकी डायग्नोसिस होती है। तो ये एक बहुत ही इस तरह का ट्यूमर नहीं है जो आम आदमी को होता है, मगर ये उनको हो गया, ये दुर्भाग्य की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप इसको सोचे मत कि ये ट्यूमर आपको मेरे को हो सकता है, ये बहुत रेयर होता है। देखिए किस तरह उनका जनाजा उनके घर से निकला है और ये कोकिलाबेन अस्पताल के सामने उनके संबंधी बेटा आयान और बाबिल, और ये देखिए उनके घर के सामने की तस्वीर, सब लोग वो मास्क लगा के रखे हुए, ये अभिनेता जी चिड़िया के साथ खेल रहे हैं, ये अपने बेटे के साथ, और ये दिल्ली ड्रामा स्कूल की तस्वीर, और ये फिर देखिए गोलगप्पे खाते हुए, फिर ये जनाजा वारसोबा कब्रिस्तान पहुंच गया, और फिर हमें दिखा रहे हैं किस तरह यह ट्यूमर हमें पेट में काट के दिखाई पड़ता है, ये किस तरह से सारे शरीर में फैल जाता है, फिर ये बाहर निकला हुआ ट्यूमर, फिर ये छाती का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में, ये माथे का स्कैन और ये फिर पेट का स्कैन,